नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। एक टाइम था जब एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ सिनेमा हॉल पे ही जाना पड़ता था, पर आज के समय में एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके घर के टीवी पर मौजूद हैं। समय की बचत और भरपूर मनोरंजन, पर एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट बहुत मायने रखता है ताकि हम सबके साथ बैठकर वो देख सके। लेकिन अब लगता है ऐसा नहीं है। अब इसी बात पर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंद नामदेव ने कहा है कि इसके कंटेंट को परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता। इन्होंने बैंडिट क्वीन, वांटेड और सिंघम जैसे कई शानदार फिल्मों में काम किया है, तो इनका ओटीटी के कंटेंट पर इतना बड़ा बयान बहुत बड़ा सवाल है। गोविंद नामदेव ने कहा, ओटीटी के पास कोई सेंसर बोर्ड नहीं होने के कारण जिस तरह के कंटेंट का क्रिएशन किया जा रहा है उसका झुकाव पोर्नोग्राफी की ओर ज्यादा है। खुलेआम लव मेकिंग दिखाया जा रहा है जिसे लोगों को परिवार के साथ देखने में काफी अनकंफर्टेबल होता है। मेकर्स का मानना था कि ये बहुत अच्छा है, ये डाल दो तो लोग देखेंगे। इसीलिए एक समय में हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कंटेंट की बाढ़ सी आ गई थी। आगे इन्होंने हिंसा और क्रूरता को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, लोग इस तरह के सीन्स नहीं देख सकते जिसके वजह से वो स्किप करके सीधे मेन स्टोरी पर आ जाते हैं। उसमें कोई क्रिएटिव एंगल होना चाहिए। बिना मतलब के इस तरह के सीन्स दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। गौरतलब है कि गोविंद नामदेव ने इस बात को भी रखा कि वो खुद बहुत सारे स्क्रिप्ट को मना कर चुके हैं ऐसे ही कंटेंट के चलते। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।